अपने एक फिल्म के लिट्टी चोखा, तो बड़ा ही सर जो है बड़ा टेस्टी फिल्म लग रहा है माध्यम से टाइटल के अगर कहा जाए तो इसमें जो है काजल जी और खेसारी लाल यादव जी रहे जी। तो सर फिल्म जो है आप आपका जो है किस तरह से गया, जो है आपने ट्रेलर अभी किया लॉन्च किया तो कैसा मतलब? अभी ट्रेलर लॉन्च नहीं हुआ, पोस्टर लॉन्च हुआ, फर्स्ट लुक लॉन्च किया है, ट्रेलर बहुत जल्द लॉन्च होगा। लिट्टी चोखा एक यूपी बिहार के कल्चरल डिश है, तो लिट्टी चोखा को मैंने अपने भारत के कल्चर से जोड़ा है, ना कि एक केवल एक स्वादिष्ट व्यंजन है या डिश है, एक पदार्थ है, मैंने उसको एक अपने भारत के कल्चर से जोड़कर लिट्टी चोखा को बनाया है। और लिट्टी के भूमिका में काजल राघवानी जी है और चोखा के भूमिका में खेसारी लाल यादव जी हैं। सर पोस्टर लॉन्च हुआ उसमें खेसारी जी आए, काजल राघवानी जी नहीं आई, तो ये क्या जो है रीजन था? शायद से काजल जी कहीं व्यस्त थी अपने काम में, तो उसके वजह से शायद से नहीं आ पाई। संपर्क हुआ हम लोगों का, लेकिन वो आना चाह रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें समीकरण नहीं बैठ पाया, वो कहीं दूसरी जगह व्यस्त थी, बस यही बात। सर अभी जैसा कि मीडिया में कुछ सुनने में भी आ रहा है कि खेसारी जी और काजल जी के बीच कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, तो क्या आप कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं खेसारी जी और काजल जी को बहुत अरसे से जानता हूँ, और चीज़ें बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, फिर बनती है, तो इस विवादों में हम लोग ना पड़े तो ज़्यादा बेटर है। और यकीनन इन दोनों को पसंद करने वाली हमारी जनता है, खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी को पसंद करने वाली हमारी जनता है, तो चीज़ें बनती बिगड़ती रहती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द खेसारी जी और काजल जी एक साथ भी दिखेंगे। सर ऐसा क्लियर है या फिर जो है आप सिर्फ दिल बहलाने के लिए बोल रहे हैं हमारी जनता? जी बिल्कुल नहीं, मैं दिल बहलाने वाला काम नहीं करता, मैं दिल बहलाऊंगा तो केवल अपने सिनेमा के माध्यम से जनता का, बातों से नहीं दिल बहलाना चाहूँगा। बट ये एक छोटी सी बात है, विवाद है बस, और कुछ नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा लोग सीरियसली ला ले, चीज़ें बनती है, बिगड़ती है, फिर बनती है। बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है काजल राघवानी और खेसारी जी की जोड़ी को, कई फिल्म इन्होंने साथ में की, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए ये तो आपको जनता को पूछना पड़ेगा कि ये रीज़न क्या है, और जिस तरीके से दोनों की जोड़ी है, या आप लोगों ने लिट्टी चोखा का फर्स्ट लुक भी देखा होगा, तो बिल्कुल माटी से जुड़े हुए उनकी पोशाक है, और बिल्कुल माटी से जुड़े हुए उनके हाव भाव हैं उस फिल्म में, तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी, एक कॉमन आदमी जैसे होता है, वैसे लिट्टी और चोखा नज़र आ रहे हैं, तो वही चीज़ शायद से जनता को पसंद आ रही है। सर कब तक ये फिल्म हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगी? लगभग अप्रैल, एक टेंटेटिव डेट अनाउंस हुआ है 9 अप्रैल को, तो 9 अप्रैल को सिनेमाघरों में मुझे लगता है यकीनन हम लोग देख पाएंगे लिट्टी चोखा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, लिट्टी चोखा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।